गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता इज गुड लाइफ। और मैं हूँ स्मिता। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उन्हें बता दूं, मैं अपने चैनल पे अपना लाइफस्टाइल, होम मेकिंग एंड होम डेकोर से रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी डालती हूँ। तो जिन लोगों को भी ऐसे कंटेंट पसंद है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो ये सुबह सुबह का दिन है और मैं बना रही थी नाश्ता। पहले सुबह उठ के मैंने अपना जो थोड़ा सा डेली रूटीन था वो मैंने कर लिया, जो मैं गर्म पानी पीती हूँ वगैरह, और उसके बाद फटाक से मैं नाश्ता बना दे रही हूँ, क्योंकि आज लास्ट डे था जो कि जीशु इतने लेट से उठ रहा था, क्योंकि कल से फिर उसके रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगे और वो चला गया 9th स्टैंडर्ड में। तो बस वही था, मैं बना रही थी मूंग दाल का चिल्ला विथ बीट रूट। मैंने इसका डिटेल रेसिपी नहीं दिया है, कभी अगर आप कमेंट में, अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। तो ये बीट रूट का चिल्ला था और मूंग दाल का चिल्ला, विच इज़ वेरी हेल्दी। और मेरे पिछला व्लॉग आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि अभी थोड़ा मेरे हस्बैंड डाइट पे जा रहे हैं, मतलब कि बहुत हेल्दी फूड्स खा रहे हैं और थोड़ा वॉक पे करना और वेट कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उधर बना रही थी और इधर मैं पूड़ियाँ भी तल रही थी, क्योंकि मैं चली जाऊँगी नाश्ता करके बुटीक, और जीशु के लिए, जीशु आज तो घर पे ही रहेगा तो उसे चावल बिल्कुल खाने का मन नहीं है, तो उसने बोला कि मम्मा मैं पूरी सब्जी खा लूंगा दोपहर में लंच में। तो मैंने सोचा कि चलो कौन रहेगा, फिर मैं पूड़ियाँ तल दिया मैंने उसके लिए लंच के लिए, और नाश्ते में उसने कर लिया था ये मूंग दाल का चिल्ला। और एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं वो शूट करना भूल गई उस वक्त, बट जीशु ने पैर में चोट लगा लिया था, तो थोड़ा ब्लड आ गया था, ज़्यादा गहरा चोट नहीं है बट हाँ थोड़ा है, तो उससे थोड़ा सा वो परेशान था। और बस तो देखिएगा आगे आगे क्या मैं करती हूँ, कैसे कैसे क्या होता है। और बस इधर नाश्ता और खाना दोनों का जल्दी जल्दी प्रिपरेशन हो रहा था लंच का, और ये मैंने जाके उसे दे दिया नाश्ता। लो, कुछ नहीं हुआ है, कहाँ पैर, और वो देखिए आप कैसे वो बोल रहा था, पैर के नखरा से परेशान था वो कि मेरा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैंने बोला अच्छा ठीक हो जाएगा, तुम खाओ ये नाश्ता करो और फिर मैं सोच देखती हूँ। फिर मैंने हस्बैंड को भी वो दे दिया। और तुम्हारा तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है जीशु? आंवला एंड पुदीने की चटनी एंड थोड़ा सा बादाम का चटनी। और उसके बाद क्या था, उसके बाद मैं फिर लग गई अपना डेली रूटीन में, घर को थोड़ा सा रिफ्रेश करना था, इतने सारे उठने के बाद तो कुछ भी ब्लैंकेट्स वगैरह ठीक रहते नहीं है, अपने डेली काम पे लग जाती हूँ। फिर वो सारा चीज़ करके मैंने क्या किया कि पहले, सबसे पहले घर की सारी चीज़ें की, मेरी जो हाउस हेल्प है ना वो आती है, उसके पहले मैं ये सब कर लेती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन करती हैं। तो एक्चुअली फर्स्ट, पहले भी मेरी हाउस हेल्प थी जो पहले डस्टिंग करती थी और उसके बाद फिर वो झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, पर ऐसा करने से उसने ना मेरा बहुत सारी चीज़ें तोड़ दी, डस्टिंग करने में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिरा दी, और घर पर बहुत सारी छोटी छोटी निक नैक चीज़ें होती हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है डस्टिंग आप छोड़ दो, आप सिर्फ झाड़ू पोछा कर लो और बर्तन कर लो। तो मैं क्या करती हूँ, पहले घर को पूरा रिफ्रेश करती हूँ नाश्ता करने के बाद, डस्टिंग खुद करती हूँ, बेड वेड वगैरह खुद सारा चीज़ करती हूँ। एक्चुअली अभी सीज़न भी ऐसा हो रखा है ना, पता नहीं आपके यहाँ इधर है या नहीं, बट यहाँ पटना में बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, और वो हमें यहाँ पे लू वाली हवा जो कहते हैं ना, झरक, बहुत धूल वाली हवा चल रही है यहाँ पे। तो डेली मैं डीप क्लीनिंग, इनफैक्ट आप बोल सकते हो, जैसा मैं डस्टिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाता है। और ये देखिए, ये टच लैम्प है, क्रिस्टल लैम्प जो मैंने मीशो से मंगवाया था, बस मेरे से वो टच हो गया था और वो जलने लगा, तो मैं भी बच्चों के जैसा उसके साथ खेलने लगी। वो है वैसे बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा ये लैम्प। इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला है और मेरा हॉल वीडियो भी होगा जिसमें कि मैंने उसका सारा चीज़ डिटेल्स दिया है, तो आप उसमें देख सकते हैं जाके। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई थी मेरी, और मैं जा रही थी नहाने, इतने में डोरबेल बज गया, शायद दूध वाला आया होगा, तो बस मैंने दूध लिया और फिर दूध को चढ़ा दिया, क्योंकि दूध उबल जाने से, ये क्या होता है ना, ये जो दूध वाला है ना हमारा, पास के किसी गांव से आता है जहां से वो प्योर काउ मिल्क लेके आता है, तो बस पीने के लिए मैं जीशु के लिए ये दूध मंगवाती हूँ, और उसके बाद तो पैकेट्स वाले दूध तो आते ही रहते हैं चाय वगैरह के लिए। तो फिर ऐसे दूध चढ़ा दिया और थोड़ा बहुत क्लीनिंग मैंने यहाँ पे भी कर दिया।
जो भी सामान थोड़ा सा फैला हुआ था, फिर मेरी नजर पड़ी विंडो पे जहाँ पे बहुत सारी धूल जमी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो जब तक दूध उबलता है मैंने उसे भी साफ कर लिया, सोचा कि आज इसे भी साफ कर देती हूँ। डेली तो ये पॉसिबल होता नहीं है ब्रश से रगड़ के वो करने का, तो बस मैंने वहाँ पे भी साफ सफाई थोड़ी सी कर दी और उसके बाद जैसे चीजों को हटाया था वैसे वापस वहाँ पे रख दिया और फिर ये काम निपट गया मेरा। तो थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग थी दूध को बस हल्का सा ढक दिया, अभी मैंने उसे ये नहीं किया है, फ्रिज में नहीं रखा है, वो थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद फ्रिज में रखूंगी। फिर निकली तो मुझे मेरी नज़र पड़ गई रखे हुए पोमेग्रेनेट पे, और जीशु फ्रूट्स बहुत पसंद है, जीशु को बहुत ज़्यादा, टचवुड बच्चे फ्रूट्स नहीं खाना चाहते हैं बट जीशु को पसंद है। तो ये पोमेग्रेनेट बहुत दिनों से ये मेरे को लग रहा था ड्राई हो रहा है, सूख रहा है, तो फिर मैंने उसे छील लिया क्योंकि उसे फ्रूट्स तो खाने का टाइम ऐसे भी हो गया था, दोपहर हो गया था, वो ब्रेकफास्ट के बाद फ्रूट्स खाता है उसके बाद लंच करता है। और ये देखिए ये क्या करता है जीशु, मैं आपको बताती हूँ, उसने मुझे मजा किया था करने को, मैं बताती हूँ। मेरे जो लिप्स के ऊपर मोल है ना वो उसे छूता है, और इसे इसकी बचपन की आदत है, जब ये 2-3 मंथ्स का था तभी से ये छूता है और अभी तक इसका नहीं जा रहा। और मैंने बोला तुम कब तक ये छुओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तक तुम ऐसे ही करोगी, तुम्हारी बीवी क्या कहेगी, लड़कियां हंसेंगी तुम पे। तो बोलता है मम्मा प्लीज मम्मा प्लीज। उसके बाद फिर मैंने बोला मैं तो डाल दूंगी व्लॉग पे, तो उसने बोला मम्मा प्लीज मत डालना मत डालना। मैंने बोला नहीं मैं डाल दूंगी, फिर भी चलो एनीवेज ये उसका पोमेग्रेनेट बन रहा था, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो आ रहा था बार बार, उससे ले रहा था खा रहा था और जा रहा था। उसने कटोरी भी ला के दे दिया कि लो चलो हो गया मम्मा बस करो दे दो मुझे, और इतना उसे मतलब टच वुड मैंने बोला ना बच्चों को जनरली इतना फ्रूट्स पसंद नहीं होता है, बट जीशु को फ्रूट्स बहुत पसंद है। फ्रूट्स में मतलब कुछ भी दे दो, कोई भी फ्रूट्स दे दो, ऑरेंज एप्पल पाइन एप्पल पोमेग्रेनेट कुकुम्बर एनीथिंग मैंगो सब चीज़ उसे पसंद है। तो बस ये कर लिया था मैंने और बस ये काम निपटा के अब मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि नहाकर मुझे बुटीक भी जाना है। तो बस वही फटाक से नहा लूँगी और नहा के फिर मैं जाऊँगी बुटीक पे। और अब ये गर्मियाँ है ना तो मैं दोपहर में ही जाती हूँ, थोड़ा दिन में लेट से जाती हूँ और फिर लंच के लिए आ जाती हूँ, फिर शाम में जाती हूँ। तो ये मैंने नहा लिया था और मेरा डेली रूटीन, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती डेली रूटीन में, बस बॉडी लोशन लगाती हूँ हाथ पैर में और फेस पे सनस्क्रीन लगाती हूँ और बस, इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा कुछ डेली रूटीन में नहीं करती हूँ मेकअप वगैरह में। तो बस आज शैम्पू भी किया था तो बस यही करके उसके बाद क्या करूँगी, मैं जाऊँगी बुटीक पे। और जनरली मैं बुटीक का नहीं शूट करती हूँ और आज मैंने किया भी नहीं, तो इसके बाद बुटीक का आपको नहीं कुछ शॉट्स दिखेंगे, बट नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको अपना बुटीक। तो बस यहाँ क्या था, बस नहा लिया था, नहा के रेडी हो गई थी, थोड़ा सा बाल वाल सूख गया तो मैं नहा कर चली गई बुटीक और मैं आई शाम में वापस। और वापस आने के बाद ये देखिए मैं जीशु को लेकर जा रही हूँ इंजेक्शन दिलवाने टेटबर्ग का। मैंने आपको बताया था ना कि उसे चोट लगी थी, ब्लड आ गया था, तो वो आयरन का कुछ था उससे लग गया था, तो टेटबर्ग का इंजेक्शन तो ज़रूरी ही था, तो वो मान नहीं रहा था। फिर मैंने बोला कि नहीं चलो वो तो ज़रूरी है दिलवाना, तो बस मैं उसे वहीं लेकर जा रही थी। भैया आजकल के बच्चे हम लोग से ज़्यादा तेज हैं, अभी तो पता चलेगा, चलो ना बहुत ज़्यादा, हवा कितनी अच्छा चल रहा है ना, अभी पता चलेगा जब इंजेक्शन लगेगा तो। हाँ हंसो हंसो, चल लाइट में आते ही बंद हो जाता है ना, चल। और वो मेडिकल शॉप जस्ट पास में ही था, नीचे उतर के अपार्टमेंट से बस बाहर निकला और आ गया। उनका नंबर भी था हमारे पास बट वो कॉल उठा नहीं रहे थे, पता नहीं क्या हो गया था उनके फ़ोन में, तो बस मुझे उसे लेकर वहीं जाना पड़ा दिलवाने। आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, एक्चुअली इसको ये लगवाना है, इंजेक्शन लगवाना है टेटनस का, 24 घंटा अभी होने जा रहा है, हमको याद नहीं था, जब इसको लगा दीजिए तो टेटबैक का 1 घंटा बाद हो ही जाएगा इसका 24 मिनट। ये आपका फ़ोन सुबह से ट्राई कर रहे थे, हमको लगा कि अब लग जाएगा अब लग जाएगा, क्या हुआ? हाँ हाथी में देंगे, हाथ में ही दीजिएगा ना, नस में जाता है, बाह में, यहाँ पे ना। हाँ चलो आओ, हुआ मत करना, हिलना मत, कोशिश करूँगा। नहीं नहीं हिलोगे तो ये हो जाएगा ना जीशो,
उसमें ले लो ना, वो वाले हाथ में ले लो, लेफ्ट में ले लो। अगर दर्द होगा तो फिर मान लो लिखने में इसमें प्रॉब्लम नहीं ना होगा इससे, अगर दर्द होगा तो अच्छा होगा कि प्रॉब्लम होगा लिखने में। देख रहे हैं तो देख रहे हैं ना, बदमाशी लिखने से बच जाऊंगा जिशु उसमें। नहीं वैसे क्यों नहीं बात सुनते हो? चलो इधर टर्न करो, मेरे इधर टर्न करो, हाथ उनको दो। हाँ ऐसे रखो और हिलना मत, हिलना मत, थोड़ा सा फील होगा हल्का सा, बस हो गया, हो गया, बस उसे प्रेस कर लो, बैठ जाओ, उसको पकड़ लो दूसरे हाथ से। फीलिंग हैप्पी, चोट नहीं लगा, मतलब दर्द नहीं हुआ, सॉरी नहीं हुआ दर्द, थोड़ा सा होगा, उसको प्रेस करके रखो ना। तो अभी आ गई, उसे थोड़ा दर्द हो रहा है, टेट बैक का इंजेक्शन हल्का सा दर्द होता है, जोर से नहीं बोलूंगी नहीं तो ऐसे ही वो डरा हुआ है, बोल रहा है मम्मा बहुत दर्द होगा। तो मैंने बोला नहीं दर्द नहीं होगा, तो बट थोड़ा सा उसे दर्द हो रहा है तो वो रेस्ट कर रहा है। मैं आ गई, अब मैं चलती हूँ चेंज करने के बाद फटाफट फिर कुछ देखती हूँ डिनर में क्या बनता है। तो डिनर में कुछ ज़्यादा खास नहीं बना था, तो मैंने और हस्बैंड ने बस स्प्राउट्स खा लिया था मूंग का, और उसके बाद बेटा मेरा जीशु जो था वो दूध रोटी खा लिया था, उसके बाद हम निकल गए वॉक पे, और ये हमारा डेली रात। ये देखिए पटना कितना सुंदर है, और यहाँ पे वॉक करने में बहुत मज़ा आता है। ये आगे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे। वाओ ये देखिए कितना सुंदर, फिर मेरे को छोड़ के भागे जा रहे हैं पीछे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये जगह, कितना सुंदर ये ब्रिज बना दिया है, लाइटिंग एंड ऑल। तो यही है हमारा डेली का रूटीन, रात में तो वॉक मस्ट है हमारा आजकल, हस्बैंड के साथ मैं भी चली जाती हूँ वॉक पे। तो ये है पटना का अटल पथ जहाँ हम डेली जाते हैं वॉक पे, बहुत ही सुंदर बनाया है। और जनरली रात में हमारा डिनर यही होता है, स्प्राउट्स खा लेती हूँ या फिर मैं थोड़ा सा ओट्स का चिल्ला विल्ला, दोनों लोग खा लेते हैं, जिशु रोटी दूध या कुछ और जो खाता है वो बन जाता है। तो चलिए आज तक आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ फिर आपसे एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब के लिए टाटा बाय।